हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आप लोग का MG Gamers की एक बिल्कुल ही फ्रेश वीडियो में। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप यार आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ काफी ढेर सारी OPL इन्फॉर्मेशन। जैसे कि दोस्त यार आप लोग के मुझे कमेंट देखने को मिल रहे थे कि भैया हॉल ऑफ इलाइट इवेंट कब आएगा, तुमने बोला था अब आएगा लेकिन अभी तक नहीं आया। दोस्तों यार फाइनली उसकी जो डेट है वो कन्फर्म हो चुकी है, तो आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि हॉल ऑफ इलाइट इवेंट कौन सी डेट को हमारे गेम के अंदर आने वाला है। सही सर दोस्तों कितने डायमंड वगैरह आप लोगों को देने पड़ेंगे हॉल ऑफ इलाइट के कॉस्ट्यूम निकालने के लिए। एंड सही सर दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हमारे कुछ अपकमिंग इवेंट्स, जैसे कि दोस्तों यार एंजेलिक इवेंट कब आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों कुछ फ्री के रिवॉर्ड्स वाले इवेंट जो कि यार कंफर्म हो चुके हैं इंडिया एंड बांग्लादेश सर्वर के अंदर के आने के लिए, तो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली छोटी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग छोटा सा काम और प्यारा सा काम कर देना कि इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर कर लीजिएगा। एंड हाँ मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा टारगेट देता हूं कि प्लीज इस वीडियो पे 1K लाइक का टारगेट मैं रख रहा हूं, तो उसको कंप्लीट करवा दीजिएगा। सभी लोग वीडियो को शेयर करके एक साथ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। तो चलिए यार फाइनली वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या बात है दोस्तों, हर बार के तरीके आज भी वीडियो की शुरुआत करने वाले कुछ इवेंट के कंफर्मेशन के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को लगभग 2 दिन पहले एडवांस में ही बता रखा था कि आप लोगों को गेम के अंदर टोकन टावर इवेंट देखने को मिलने वाला है। एंड फाइनली दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा कल के दिन ये वाला टोकन टावर इवेंट हमारे गेम के अंदर आ ही चुका है, जिसके अंदर हमारा लुक चेंजर इमोट दिया गया है, फिस्ट की स्किन भी हम लोग को इसके अंदर ऐड की गई है। तो इसके बाद दोस्तों जो अगला 100% कंफर्म इवेंट है वो है दोस्तों हमारा फेडरेड व्हील इवेंट। जी हाँ दोस्तों, फेडरेड व्हील इवेंट विंटर इवेंट की थीम पर भी यहाँ पर एनिमेशन निकल के हुआ है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। ये वाला एनिमेशन आप लोग को कल के दिन यानी दोस्तों 19 दिसंबर के दिन हमारे गेम के अंदर देखने को मिलने वाला है, ये शानदार सा एनिमेशन। इसके साथ साथ विंटर इवेंट की थीम पर बेस्ड आप लोगों को पेट के स्किन वगैरह भी इस फेडरेड व्हील इवेंट के अंदर देखने को मिल सकती है, एंड कुछ पुराने लूट बॉक्स, ग्रेनेड की स्किन एंड कुछ और विंटर स्पेशल आइटम इस फेडरेड व्हील इवेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप लोग को कल के दिन देखने को मिल जाएगा, यानी दोस्तों 19 दिसंबर के दिन 100% कंफर्म ये इवेंट हो चुका है। एंड जैसा कि मैंने आप लोग को बता भी रखा था टॉप इवेंट के बारे में भी, तो आज के दिन टॉप इवेंट भी आ ही चुका होगा हमारे गेम के अंदर। सही बात है, विंटर स्पेशल जिसके अंदर हम लोग को क्रेजी गिटार वाला इमोट दिया गया। एंड सही साथ कुछ दोस्तों ने पूछा था कि भाई डबल डायमंड का टॉप इवेंट कब देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों यार डबल डायमंड का टॉप इवेंट के बारे में अगर बात करें तो भैया आप लोग को डबल डायमंड का टॉप इवेंट तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ डायमंड की थीम पर बेस्ड आप लोग को हमारे गेम के अंदर अपकमिंग डेज में एक इवेंट देखने को मिल सकता है। एंड ये जो इवेंट रहेगा आप लोग को दिसंबर मंथ के बाद ही देखने को मिलेगा। अब उस इवेंट के बारे में बात करें तो वो है दोस्तों लेस इज मोर इवेंट, जो कि यार डायमंड से रिलेटेड है, आप लोग को पता ही होगा। जनवरी मंथ के अंदर न्यू ईयर स्पेशल आप लोग को लेस इज मोर डायमंड का टॉप अप देखने को मिल सकता है, क्योंकि यार इस मंथ के अंदर यानी दिसंबर मंथ के अंदर आप लोग को विंटर स्पेशल एंड साथ ही दोस्तों एंजेलिक की थीम पर भी टॉप इवेंट देखने को मिलेगा, जो कि आगे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। क्या बात है, क्योंकि दोस्तों यार एंजेलिक इवेंट भी आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो विंटर इवेंट हमारे गेम के अंदर स्टार्ट हो चुका है, इसका जो वेब इवेंट है हर एक सर्वर्स के अंदर अराइवल हो चुका है, आ चुका है, तो हमारे इंडेसो में भी कुछ इसी टाइप का आप लोग को 1-2 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले इंटरफेस आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप का इंटरफेस रहेगा, जहाँ पे दोस्तों यार आप लोग को कुछ इस टाइप का एक टोकन कलेक्ट करना पड़ेगा। सिंपली कुछ मिशन दिए जाएंगे, इन मिशन को जब आप लोग कंप्लीट करोगे तो ये टोकन मिलेगा, एंड इन टोकन्स को एक्सचेंज करके आप लोग पता ही है भाई फ्री के रिवॉर्ड्स क्लेम करोगे ही करोगे हर बार की तरीके। तो फ्री के रिवॉर्ड्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ढेर सारे आइटम जो है क्लेम करने को मिलेंगे। इस साथ दोस्तों इसके अंदर आप लोग एक बैलून इवेंट भी देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। बैलून इवेंट कंप्लीट करने के बाद आप लोग यहाँ पर लेवल अनलॉक होगी, जिसके बाद दोस्तों आप लोग को सबसे पहले यहाँ पर ये मेल का कॉस्ट्यूम, जो कि रॉकस्टार इवेंट की थीम पर बेस्ड है, ये रॉकस्टार का मेल का कॉस्ट्यूम बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा। लेजेंडरी फैन की स्किन जो कि इस बार के विंटर स्पेशल है, एंड ये विंटर स्पेशल बाइक की स्किन जो कि बहुत ज़्यादा ओपी है, ये भी आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में क्लेम करने को मिल जाएगा, क्योंकि अदर्स इसके अंदर अवेलेबल कराया रहा है। तो रिवॉर्ड्स तो ज्यादातर सेम ही रहते हैं, कुछ हो सकता है थोड़े बहुत चेंज हो जाए, बाकी के दोस्तों यार यही सारे रिवॉर्ड्स एंड ऐसा ही इंटरफेस आप लोगों को इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों सर्वर्स के अंदर बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। अच्छा, मान के चलो यार 20 से 25 तारीख के बीच में ये इवेंट जो है गेम के अंदर अराइवल हो जाएगा। एंड इसी के साथ साथ एक चांस और भी यहाँ पर बन रहा है कि भाई हम लोगों को एक इमोट भी फ्री में मिल जाए, क्योंकि यार विंटर स्पेशल 2 इमोट निकल के आए हुए हैं, जिसमें दोस्तों यार ये हमारा दूसरा इमोट है। इसको बताया जा रहा है डाटा माइनर्स की तरफ से कि हाँ भाई ये फ्री में मिल सकता है। अब इसकी 100% कन्फर्म गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हाँ 70% मैं बोलूँगा आ सकता है, बाकी का यार 30% फ्री फायर के ऊपर है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैं बोला था आप लोग स्टार्टिंग में एंजेलिक इवेंट के बारे में, तो भैया
एंजेलिक इवेंट जो है हर एक सर्वर के अंदर आना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो, कुछ सर्वर के अंदर टोकन टावर इवेंट के अंदर डाला गया है, कुछ सर्वर के अंदर लक रॉयल के अंदर डाला गया है। तो अब आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि भाई इग्नेसो में कौन से इवेंट के अंदर आएगा। तो देखो दोस्तों, इग्नेसो के लिए अभी इवेंट को कन्फर्म बोल पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन से इवेंट के अंदर आ सकता है, क्योंकि यार काफी टाइम पहले लक रॉयल के चांसेस बन रहे थे, जो कि यार आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हो। कुछ इस टाइप के लक रॉयल के अंदर बताया जा रहा था कि भाई आ सकता है हमारा एंजेलिक पैंट, लेकिन बाद में एक वेब इवेंट की भी लीक निकल के आई थी जो कि थी एंजेलिक पार्टी। अब फ्री फायर एंजेलिक पार्टी करके वेब इवेंट के अंदर देगा या फिर दोस्तों किसी अदर इवेंट के अंदर देगा, ये तो अभी कन्फर्म नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इवेंट तो इसी दिसंबर मंथ के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इतना तो 100% कन्फर्म है। बाकी के दोस्त यार, इस इवेंट के साथ साथ आप लोगों को इसकी थीम पर बेस्ड जो आइटम्स है वो भी देखने को मिलेगा, एंड इसी की थीम पर बेस्ड आप लोग यहाँ पर जो ग्लू वॉल की स्किन देख रहे हो, जी हाँ दोस्तों, ये वाली ग्लू वॉल की स्किन आप लोगों को 100% कन्फर्म टॉप इवेंट के अंदर ही देखने को मिलने वाली है। 300 या फिर 500 डायमंड के टॉप पर आप लोग को ये ग्लू वॉल की स्किन देखने को मिलेगी। अब 100 डायमंड के टॉप पर फ्री फायर क्या हम लोगों को अवेलेबल कराएगा, ये चीज़ तो क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ एक आइटम तो कन्फर्म है कि भाई ग्लू वॉल की स्किन आप लोगों को टॉप इवेंट के अंदर ही देखने को मिलने वाली। एंड यहाँ पर जो विंटर स्पेशल टॉप इवेंट चल रहा है ना, इसके बाद आप लोगों को हमारा इसी एंजेलिक इवेंट की थीम पर बेस्ड ये टॉप इवेंट देखने को मिलेगा। एंड ये वाली ग्लू वॉल की स्किन को देखकर लगता है कि भैया ये रैंपेज इवेंट की थीम पर बेस्ड जो ग्लू वॉल की स्किन है ना, उसी से कॉपी की गई है, बस थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर दिया गया। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताना। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं अपने हॉल ऑफ इलाइट इवेंट के बारे में, क्योंकि दोस्त यार हॉल ऑफ इलाइट इवेंट की लगभग नवंबर मंथ से ही लीक निकल के आ रही थी, कि नवंबर मंथ से ही मैं बता रहा था आप लोगों को, और आप लोगों ने हर एक जगह पर पोस्ट भी देखा होगा, सुना भी होगा कि हाँ भाई हॉल ऑफ इलाइट इवेंट आने वाला है, उसके जो पुराने कॉस्ट्यूम्स है जो हमारे सीजन 1 से लेकर सीजन 5 तक के, वो सब कुछ रिटर्न बैक आने वाले। तो दोस्तों यार फाइनली इसे रिलेटेड एक और डेट यहाँ पर निकल के आई हुई है, क्योंकि यार बीच में बताया गया था कि 20 तारीख को ये आ जाएगा, लेकिन एक बैग अचानक से फ्री फायर ने उसका सब कुछ चेंज कर दिया था इवेंट वगैरह, एंड बोला था कि भाई 20 तारीख को नहीं आएगा, उसके बाद ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी के टाइम पर जो लीक्स निकल के आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग 3 डेट यहाँ पर निकल के आई हुई हैं, जिसमें दोस्तों 23 दिसंबर 24 एंड 25 दिसंबर की लीक निकल के आ रही हैं। इन 3 डेट को आप लोगों को हॉल ऑफ इलाइट इवेंट देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर दोस्तों यार एक चीज तो यहाँ पर कन्फर्म है कि आप लोगों को सीजन 1 से लेकर सीजन 5 तक के ही सिर्फ और सिर्फ इलाइट पास देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोग को स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ 5 इलाइट पास ही रिटर्न बैक दिए जा रहे हैं, बाकी का दोस्तों फ्यूचर में अगर फ्री फायर का मन किया तो बाकी का जो इलाइट पास है वो भी रिटर्न बैक दे सकता है। लेकिन हाँ सीजन 1 से सीजन 5 की अगर आप लोग को इलाइट पास निकालने हैं तो आप लोग को 23-24 या फिर 25 दिसंबर का वेट करना पड़ेगा, ज़्यादातर चांस बनने कि 24 दिसंबर को ही बने, लेकिन हाँ डाटा माइनर जो है वो बोल रहे हैं कि भाई 23-24-25 इन 3 डेट को आप लोग मान के चलो 100% कन्फर्म हॉल ऑफ इलाइट इवेंट जो है मिल सकता है, ऐसा डाटा माइनर्स बोल रहे हैं। बाकी का मैं भी यही कहूँगा कि हाँ भाई 90% है कि भाई इसी डेट को आए, अब फ्री फायर कुछ चेंजेस कर दे ऐन मौके पर तो ये चीज़ थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों डायमंड के बारे में बात कर ले, कितने डायमंड लग सकते हैं, तो जाहिर सी बात है यार पुराने लाइट पास हैं, रिटर्न बैक अगर आएंगे तो किसी न किसी वेब इवेंट के अंदर ही आएंगे, जहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ढेर सारे कीमत चुकानी पड़ सकती है। एंड बात कर ले इवेंट के बारे में, तो इसका हो सकता है लक रॉयल इवेंट, टोकन टावर इवेंट, या फिर कुछ इंक्यूबेटर के स्पिन टाइप का हो सकता है, या फिर कुछ और भी इंटरफेस के साथ दे सकता है। एंड मुझे जहाँ तक अंदाजा लगता है कि आप लोग मान के चलो 3 से 6 हज़ार डायमंड लग सकता है एक कॉस्ट्यूम आप लोग को रिडीम करने के लिए, निकालने के लिए, ठीक है। और बाकी का और जैसे कुछ मेरे को कन्फर्मेशन मिलती है मैं आप लोग को जरूर से शेयर करूंगा, बस उसके लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।